ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट पता चल रहा है। ये देखो कुछ गलत मत सोच लेना यार, तुम लोग तो ठड़की हो, उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो ठड़की है उन लोगों को बोल रहा हूँ। आप ठड़की जैसे सोच मत ले आना दिमाग पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बड़ा सा हक दे देता हूँ, ये लो आ जाओ सब मेरे बाहर में। हो गया, बाय बाय। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सही पकड़े हैं आप लोग, मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है। तो मैं अभी लेके आई हूँ इधर, अबे यार इसे ले, खत्म। इनहेलर घर पे भूल गया, जो इनहेलर बोलते हैं या क्या बोलते हैं यार उसे, मुझे भी पता नहीं। इनहेलर तो मन इन तो हीलर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो हील करने के लिए तो नहीं है यार, तब भाड़ में जा। जो भिक्स यहाँ पर नाक से सूंघने के लिए होता है ना, वो मैंने लाना ही भूल गया यहाँ पर। शिट। चाइना देखो, अभी इसे दिखाता हूँ। ले, टूट गया। को पैसा बर्बाद। डरो मत, ये टूटा नहीं, ये फोल्ड भी होता है, ये देखो इसे करके कुछ फोल्ड हो जाता है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े वे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे डांस करना ही नहीं आता यार, तो इसलिए मैं डांस नहीं भी करता और नहीं भी करता हूँ। तो कोई बात नहीं, दुनिया में एक चीज नहीं करने से कुछ बड़ा यार, डांस बहुत ही जरूरी होता है यार मुझे लगता है, क्योंकि मुझे डांस जब और लोग डांस करते हैं तो मुझे देख के डांस करने का मन तो होता है, पर मैं डांस कर नहीं पाता यार। हमारा न्यू हेडफोन का नाम है नॉइस 2। यार एक भी अच्छा दिल नहीं आ रहा है, क्या करूँ यार। उठ के देखता हूँ कितना बज रहा है अभी, यार कारण भी चला गया फिर, इसकी माँ की कारण का साला। अभी क्या करूँ मैं, क्या करूँ आइडिया, आज वीडियो बनाने चला जाता हूँ। वीडियो बनाने जा रहे तो ट्राइपॉड और माइक को सेट कर लेते, और अभी ट्राइपॉड और माइक सेट हो चुका है, और इसे तो मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर दिया था, और अभी जल्दी से इसे फिर से पैक करते, और अभी पैक हो चुके हैं तो अभी जल्दी से जल्दी निकलते हम लोग उधर वीडियो शूट करने के लिए, और अभी अंदर से साइकिल निकाल लेते। और वैसे तो पैदल तो जाऊंगा नहीं मैं, आराम से निकल हाँ हो गया। और अभी साइकिल को रखता हूँ यहाँ पर, और अंदर से सामान निकाल के लाता हूँ। अभी इस सामान को रख देता हूँ झोले के अंदर, और झोले के अंदर रख के जल्दी जल्दी से निकलता हूँ वीडियो शूट करने के लिए। हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को आज के ब्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो क्लिप वगैरह तो दिखा दिया जो घर से आया था ना मैं, क्योंकि मैं घर में बैठ बैठ के यार बोर हो गया था यार, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ कुछ कॉन्टेंट, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो मैंने शायद दशहरा का जो वीडियो होता है ना हम लोगों का, दशहरा टीका लगाता है वही दशहरा टीका का आप लोगों को दिखाया था। पर अभी सोचा कि मैंने तो कुछ दिन पहले हेडफोन भी ऑर्डर किया था, तो हेडफोन का वीडियो बना के दिखा देता आप लोग को, वैसे भी कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो क्या हेडफोन का रिव्यू वीडियो लेके आ गया मैं आज। तो आप लोग को आज दिखाऊंगा मैं मेरा हेडफोन, मैंने न्यू हेडफोन बाय किया है, मतलब हाँ मैंने न्यू हेडफोन बाय किया है, वो हेडफोन आज मैं दिखाऊंगा। और ये हेडफोन आया था मेरा 16 तारीख को, हाँ मैंने ऑर्डर किया था, शायद मैंने ऑर्डर किया था ये 8 तारीख या 7 तारीख को ऑर्डर किया था, पर मेरा हेडफोन आया है 16 तारीख को, 16 तारीख का आया था, पर मैंने ये 4-5 दिन इसको रिव्यू किया, मतलब इसको चेक किया कि कैसा साउंड क्वालिटी वगैरह, और
कैसा मतलब हेडफोन का क्वालिटी और साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कैसा कैसा है सब वगैरह चेक करके और आप लोगों के लिए आज मैं लेके आ गया हूँ रिव्यू। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मेरा हेडफोन और अभी हेडफोन को लेके आ गया हूँ मैं इस झोले पर, देख रहे हो, देखो यहाँ पर। और अभी मैंने और अभी मैं खोज रहा था, मेरा जो एक दोस्त है ना छोटा सा प्रिंस बोल के नाम का, प्रिंस नाम का एक छोटा सा दोस्त है ना, उसे ही ढूंढने के लिए गया था पर उसे खोज मिला नहीं यार, वो खोज के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था पर उसे मिला नहीं, उसे खोज के पाया ही नहीं मैंने। वो कौन से कुना किस बिल में ढुक गया यार, आज वो मुझे मिल ही नहीं रहा। वो उसके घर पे गया था, घर पे बोला कि वो उधर गाय के उधर गया है, पर गाय के इधर आके देखा तो गाय के इधर भी नहीं है, तो इसलिए मैं अकेला ही आ गया वीडियो बनाने के लिए। और मैं आज मेरा दोस्त बनाऊंगा ये साइकिल को, जो साइकिल के ऊपर ये मेरा ये ट्राइपॉड जो है ना, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ पकड़ के, तो इसे यूज़ करके और साइकिल को यूज़ करके अभी मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई चांस भी नहीं है यार। तो अभी मैं वीडियो शूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा वाला हेडफोन लिया है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। और रुको रुको रुको, और एक बात, और आप लोगों को मेरा वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि अभी मुझे ना सर्दी बुखार हो गया है, तो सर्दी बुखार में तो मेरा जो नाक सब बंद हो चुका है और गला का आवाज़ अभी भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, ठीक ही है। तो मैं अभी लेके आई हूँ इधर, अभी यार इसे ले, ख़त्म। इनहेलर घर पे भूल गया, जो इनहेलर बोलते हैं या क्या बोलते हैं यार उसे, मुझे भी पता नहीं, इनहेलर तो इन तो हीलर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो हील करने के लिए तो नहीं यार, तब भाड़ में जा। जो भिक्स यहाँ पर नाक से सूंघने के लिए होता है ना, वो मैंने लाना ही भूल गया यहाँ पर, हद होता है यार। जब भी कुछ वीडियो बनाता हूँ ना तो भी ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही कुछ होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। मुझे पता था आज कुछ ना कुछ तो हो गए, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा ना कुछ, ऐसा कुछ होता तो है ही, कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। कोई बात नहीं, तो आप लोगों को मेरा वीडियो को मतलब वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो एडजस्ट कर लेना यार, तो वैसा कुछ और बात भी नहीं है। तो अभी आप लोग वीडियो पर बने रहे गाइस, देखते रहे वीडियो को, तो चलिए शुरू करते ओके। तो गाइस तो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया एक, क्या यार ये मेरा रिव्यू चैनल नहीं है यार, ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं यार आप लोग गाइस आप लोग के लिए क्या आ गया हूँ मैं एक न्यू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा ही प्रोडक्ट मतलब मैं ही यूज़ करता हूँ ये हेडफोन। तो इसीलिए आप लोग को आज दिखाऊंगा मेरा न्यू हेडफोन जो मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो अभी इसे तो मैंने 5 दिन पहले अनबॉक्सिंग कर दिया था, फिर आज आप लोग को दिखाने के लिए फिर से मतलब रीपैक करके और आप लोग आज फिर से अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये क्या बात करता है यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट में हम लोग खोलेंगे ये टेप जो है ना, क्या कर रहे यार यहाँ पर। तो ये जो स्लेट टेप जो है ना, ब्लैक टेप, इसे खोलना पड़ेगा। ओके तो गाइस तो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं, क्या यार ये मेरा रिव्यू चैनल नहीं है यार, ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं यार आप लोग गाइस आप लोग के लेके आ गया हूँ मैं एक न्यू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा ही प्रोडक्ट मतलब मैं ही यूज़ करता हूँ ये हेडफोन। तो इसलिए आप लोग को आज दिखाऊंगा मेरा न्यू हेडफोन जो मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो अभी इसे तो मैंने 5 दिन पहले अनबॉक्सिंग कर दिया था, फिर आज आप लोग को दिखाने के लिए फिर से मतलब रीपैक करके और आप लोग आज फिर से अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट में हम लोग खोलेंगे ये टेप जो है ना, बकरिया क्या कर रहे यार यहाँ पर। तो ये जो स्लेट टेप जो है ना, ब्लैक टेप, इसे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोल के फेंक, तो इसे खोल के फेंक देते और इसके अंदर है कुछ ऐसा, उल्टा उल्टा है। तो ये है हमारा न्यू हेडफोन, जो हेडफोन का नाम है नॉइस। तो हमारा न्यू हेडफोन का नाम है नॉइस 2।
फॉरेस्ट कंपनी से आता है ये, और इसके बारे में कुछ मुझे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं है। मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसा हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ जो नॉइस कंपनी का हो, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं बोट कंपनी का लूँगा, बोट प्रोगेजर 450 प्रो जो है ना वो वाला लूँगा। और क्या करूँ यार, वो मैंने अमेजोन से दो बार ऑर्डर किया पर दो बार ही नहीं आया, तो इसलिए मुझे तंग होके मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। मतलब अभी लेके आ गया हूँ मैं न्यू वाला हेडफोन जो है नॉइस 2। तो अभी इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये भी अनबॉक्सिंग हो चुका है, इधर देखो सब कुछ खुला हुआ है। फिर से अनबॉक्सिंग करते हैं यार, क्या जाएगा। तो इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए इसे यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो अभी इधर अनबॉक्सिंग हो चुके हैं, और अनबॉक्सिंग होने के बाद ये कुछ और उसी के साथ यहाँ पर मिलता है एक इसका जन्म कुंडली, जो जन्म कुंडली में हम लोग को सिखा रहा है यहाँ के कैसे करके इसे सर्दी खांसी है ना थोड़ा सा ऐसा होता है, तो यहाँ पर हम लोग को सिखा रहा है कि कैसे करके फिट करते हैं। ये देखो पंछी बना उड़ता फिर मस्त कर देने। और आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, और हवा के साथ बनाने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है यार, अभी गिर जाता है। तो इसके साथ कुछ जन्म कुंडली वगैरह मिल जाता है, ये उल्टा पकड़ा हुआ है क्या। हाँ ये देखो जन्म कुंडली वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्ले प्रोस कंट्रोलर भाड़ में क्या सब मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे यूट्यूब से सब मिल जाता है यार, यूट्यूब से सब सीख के आना पड़ता है। और इसका बुक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसका बुक यहाँ लिखा हुआ है नॉइस 2, प्लीज रिफर टू दिस मैनुअल बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि इसे पढ़ लो फिर बाद में प्रोडक्ट को यूज करना, भाड़ में क्या मुझे ये नहीं पता। और इस सब को रख देते हैं इसके अंदर, और आप लोग को फाइनली दिखाऊंगा कि मैं आज तो आप लोग को फाइनली अभी दिखाऊंगा मेरा मेन जो प्रोडक्ट है मतलब हेडफोन, तो वही प्रोडक्ट अभी आप लोग को फाइनली दिखाऊंगा। तो ये सब चले जाओ बाबू तुम लोग अंदर, और अभी आ रहा है हमारा जाना माना नॉइस 2 हेडफोन। तो अभी इसे और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वहाँ पर जा मैं इधर बनाता, आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसा डिजाइन का हेडफोन है, ये है ऐसा पहनने वाला हेडफोन। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ये आप लोग जब कान में लगाते हैं ना तो बाहर का नॉइस सब खत्म हो जाता है एकदम पूरा खत्म, तो कैसे बोलूं यार, इतना ज्यादा भी खत्म नहीं, बाहर का आवाज तो आता ही, पर 90 में 100 में आप लोगों को शायद 60% नॉइस बाहर का चला जाता है। और यहाँ पर क्या टुंग टुंग कर रहा है, तब से मुझे टुंग टुंग आवाज आ रहा था। और इसका एक मैंने जो स्टिकर बोला था ना वो देखो यहाँ पर, देखो स्टिकर लगा दिया है ना मैंने यहाँ पर, ये देखो ये दो स्टिकर। और इसका एक खास बात मुझे ये लगा, खास बात क्या बोलूँ यार, सब हेडफोन में तो दे देता है, मतलब इसका प्ले टाइम कितना आवर्स का पता है, इसका प्ले टाइम है 50 आवर्स का, और आप लोग ये 70% वॉल्यूम में सुनोगे तो 70% वॉल्यूम में सुनोगे तो इसका 50 आवर्स ये दे देगा। अभी तक तो मेरा चार्ज 0% तो नहीं हुआ, मतलब खत्म तो नहीं हुआ, मैंने चार दिन तक चलाए पर अभी तक खत्म नहीं हुआ इसका चार्ज। और इसका साउंड क्वालिटी वगैरह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और आप लोग को अभी चेक भी करके दिखा दूंगा कि साउंड क्वालिटी कैसा है। और आप लोग सोच रहे होगी कि मैं घर पे क्यों नहीं वीडियो वगैरह बनाता, क्योंकि हमारे इधर बगान का इतना अच्छा नज़ारा है तो हमें घर पे कैसे बना सकते हो यार वीडियो, और आप लोग को घर भी कितने बार दिखाओ, घर में भी
घर में लोग वगैरह होते हैं, मतलब मम्मी पापा होते हैं, पापा तो अभी आज पापा तो उधर साइकिल को बनाने के लिए, साइकिल जो टूट गया है ना, अभी यार क्या बोलता है उसे पता नहीं, साइकिल का एक कुछ जिनिस टूट गया तो उसे लेके गए, मतलब अलीपुर पर गए। और अभी मैं आप लोग और इधर मैं क्यों आता हूँ, क्योंकि इधर ठंडा हवा चलता है और उसी के साथ इधर देखो हमारे इधर चाय पत्ती वगैरह भी है, और कैमरा उधर घुरा नहीं सकता क्योंकि मैंने साइकिल पर साइकिल के ऊपर कैमरा को रख दिया, मतलब साइकिल के ऊपर मोबाइल को रख दिया, और मेरा दोस्त तो आज मिला ही नहीं तो क्या दोस्त को दिखाऊँ यार। तो इसीलिए अभी इसका मतलब ये प्रोडक्ट आप लोग को मैं दिखाऊँगा, तो अभी ये देखो चाइना देखो, अभी इसे दिखाता हूँ, ले टूट गया डरो मत, ये टूटा नहीं, ये फोल्ड भी होता है, ये देखो ऐसे करके कुछ फोल्ड हो जाता है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। और ये कुछ इसमें डरने वाले बात नहीं है, तो ये फोल्ड और ये कितना बार निकलता है पता है आप लोगों को, ये निकलता है एक बार दो बार तीन चार पाँच, और मुझे पाँच नंबर जब मैं निकाल देता हूँ इतना पाँच बार निकाल दे तो मुझे फिट नहीं होता, तो इसीलिए मुझे तीन बार निकाल के फिट करना पड़ता है। और आप लोग का सर छोटा है तो आप लोग ऐसे करके भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे करके लगाऊंगा तो ये देखो अच्छे से फिट भी नहीं होता, तो इसलिए मुझे ऐसे करके लगाना पड़ता है, ये तीन बार निकालो ऐसे करके और ये हो गया फिट मेरा। तो अभी इसका रिव्यू ऐसे ही करना था मुझे, और आप लोग को मज़ा तो आ रहा है ना वीडियो पर, मज़ा आ रहा है तो देखिए, नहीं आ रहा तो फिर भी देखिए वीडियो, मज़ा नहीं आ रहा तो अभी तो मेरा भीड़ तो बढ़ेगा, और नहीं तो आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरा ऑडियंस कैसे बढ़ेगा यार, और ऑडियंस नहीं बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल मत हो, ये मैं मजाक कर रहा था। और आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं ब्लॉग वीडियो लाता रहूँगा इस चैनल पर। तो अभी गला थोड़ा सा खसखसा रहा यार, तो अभी इसका मैं साउंड टेस्ट वगैरह भी सुना दूंगा आप लोग को, साउंड क्वालिटी कैसा है और कैसा नहीं, और एक बार देख लेता हूँ यार वीडियो तो चल रहा है ना, एकदम बराबर है वीडियो भी चल रहा है और ये वीडियो भी बन रहा है। और अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को इसका साउंड क्वालिटी वगैरह, और इसका ये डिज़ाइन जो है ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसका कुछ अभी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट पता चल रहा है, ये देखो कुछ गलत मत सोच लेना यार, तुम लोग तो ठड़की हो, उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो ठड़की है उन लोगों को बोल रहा हूँ, आप ठड़की जैसे सोच मत ले आना दिमाग पर। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और इसका कुशन जो है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इसमें मिलता है क्या, अबे कितना एमएम का ये मिल रहा था यार इसमें, अरे 40 NM का ड्राइवर ना क्या बोलता है वही मिल रहा था इसमें। तो वैसे तो अभी बारी आ गई इसका साउंड क्वालिटी सुनाने के लिए, और मेरे पास एक्स्ट्रा फोन तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये चिप मेमोरी कार्ड जो होता है वो SD कार्ड लेके आ गए, और SD कार्ड यहाँ पर ऑक्स केबल भी सेट होता है, SD कार्ड भी चलता है, और आप लोग यहाँ पर FM भी चला सकते हैं, पर मैंने अभी तक FM यूज़ करके नहीं देखा यार, रेडियो जो होता है ना रेडियो भी यूज़ कर सकते हो, FM या रेडियो सेम ही तो यार। तो आप लोग यहाँ पर ऑक्स केबल भी लगा सकते हो, पर मैंने अभी जो फास्ट में बोला था ना ऑक्स केबल लगाओगे तो थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ अच्छा नहीं आएगा, और आप लोग मेमोरी पर मतलब SD कार्ड पर भी अच्छे से साउंड अच्छे से आवाज़ आएगा, और आप लोग को जो ब्लूटूथ में कनेक्ट करके सुनोगे तो तब भी आप लोगों को वॉइस क्वालिटी मतलब इसका बेस्ट आवाज़ मतलब साउंड वगैरह अच्छा लगेगा, पर आप लोग ऑक्स केबल लगा के सुनोगे तो साउंड अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और आप लोग को प्रॉब्लम भी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग की इस प्रोडक्ट से थोड़ा सा मतलब क्या बोलती यार, अबे यार मुझे उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता और हिंदी भी उतना अच्छे से मैं बोल नहीं पाता, पर थोड़ा सा सीख रहे यार, आस्ते आस्ते तो पता चल ही जाएगा, मतलब आस्ते आस्ते तो सीख ही जाएंगे, ये क्या हो रहा है यार। और अभी इसके अंदर ये मेमोरी सेट करते और मेमोरी सेट करके आप लोगों को दिखा सुनाते मतलब आप लोगों को सुनाते इसका साउंड क्वालिटी जहाँ अंदर, तो ये अंदर फिट हो चुका है और आप भी आप लोगों को सुनाऊंगा मैं इसका साउंड क्वालिटी। घर गया था यार अचानक, फुल साउंड लगा हुआ है, चुप, ये वाला गाना सुन लो थोड़ा सा। और एक बात गाइस, इसका जो मतलब साउंड आप लोग 100% साउंड कर दोगे ना तो इसका साउंड लीकेज होता है यार,
मतलब आप लोगों को जो बाहर आपके सामने आपके पास पास में जो बैठा होगा उन लोगों को सब साउंड सुना देगा, मतलब उन लोगों को सब सुनाई देगा कि आप लोग क्या गाना सुन रहे हो, क्या सॉन्ग सुन रहे हो। तो इसलिए आप लोग इसे मतलब 100% नहीं, थोड़ा सा 70 नहीं तो 60% साउंड में वॉल्यूम में सुन सकते हो, वो उसमें भी अच्छा सा बेस वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। पर अभी ये गाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पर जरूर बता देना। और अभी आप लोगों को दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ मैं, और अभी आप लोगों को मैं कुछ दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ। ये वाला गाना सुनो, अभी मजा आएगा आप लोगों को। मुझे भी साउंड सुनाई दे रहा है यार, इसका क्या साउंड आ रहा है, मतलब बाहर साउंड बहुत ही ज्यादा लीकेज होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू वगैरह भी सब कुछ दिखा दिया है, तो अभी मेरा और कुछ काम नहीं रह गया यहाँ पर, और अभी तो मैं सुनता रहता हूँ और आप लोग भी देखते रहिए। वो क्या एक्टिंग कर रहा है, खत्म। क्या गाना आएगा यार, वो सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे ऐसा नाच डांस करना नहीं आता यार, मुझे सच में मुझे उतना ज़्यादा डांस करना नहीं आता, क्योंकि जब मैं छोटा था ना, छोटे में मतलब हम लोग इधर किधर फंक्शन होता था, मतलब फंक्शन जो फेस्टिवल होता है ना, मतलब शादी वगैरह में भी जाता था, तो शादी में भी डांस वगैरह नहीं करता था। और मैं सिर्फ डांस करता था कब पता है, जब सरस्वती पूजा आता है ना, सरस्वती पूजा में हम लोग, मेरा भाई एक दीपेश, आप लोग को पता होगा कि दीपेश मेरे साथ गया था जयंती पर, तो वो दीपेश उस वो और मैं मतलब जब भी फेस्टिवल दुई मतलब सरस्वती पूजा आता था तो खुल्लम खुला यार मूर्खा डांस करते थे, मतलब क्या है थोड़ा सा खराब हो जा रहा है मेरा हिंदी, कोई बात नहीं, मतलब अंधा गुंधा डांस कर देते थे, मतलब कुछ आता तो था नहीं डांस में हमें, और जैसा सॉन्ग होगा वैसे कुछ पैर वगैरह हिला देते थे ऐसे ऐसे करके वही रहता था हमारा डांस। तो अभी भी मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से डांस नहीं आता, वैसे भी मैं डांस वगैरह प्रैक्टिस भी नहीं करता, मैं करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ और वीडियो वगैरह बनाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ और घर का वगैरह काम वगैरह करता हूँ। मुझे डांस में डांस करना मुझे अच्छा लगता तो है, डांस मुझे देखना अच्छा लगता है और सुनना भी अच्छा लगता है, मतलब गाना जब सॉन्ग सुनता है ना तो डांस करने का मन होता है, पर मुझे डांस करना ही नहीं आता यार, तो इसलिए मैं डांस नहीं भी करता हूँ। तो कोई बात नहीं, दुनिया में एक चीज़ नहीं करने से कुछ बड़ा नहीं यार, डांस बहुत ही ज़रूरी होता है यार मुझे लगता है, क्योंकि मुझे डांस जब और लोग डांस करते हैं तो मुझे देख के डांस करने का मन तो होता है, पर मैं डांस कर नहीं पाता यार। छोटे में अपूर्व था ना, मैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही अपूर्व था, तो इसीलिए डांस वगैरह भी सीख नहीं पाया। साला मैं छोटे में बोका चौदा था, मैं असल बात बोल देता हूँ, मैं छोटे में सच में यार मैं बोका चौदा था छोटे पर, जब मैं छोटा था ना तो मैं एक नंबर का बोका चौदा था, मतलब 8th class तक मैं एक नंबर का बोका चौदा था, मैं अभी भी बोलता हूँ मैं 8th class तक बोका चौदा था। तो कोई बात नहीं, वो सब बात को छोड़ देते, और इसका साउंड क्वालिटी वगैरह भी आप लोग को सब कुछ सुना दिया है, और क्या कर सकते यार, और इतना ज़्यादा बड़ा चौड़ा करके आप लोग मतलब वीडियो भी बना नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा कर दिया तो आप लोग देखोगे भी नहीं वीडियो को, तो इसीलिए अभी मैं साउंड गाना सुनते सुनते आप लोगों से विदाई लेता हूँ। चालू हो जा, तो गाना सुनते सुनते आप लोगों से मैं विदाई लेना चाहता हूँ आप लोगों को मतलब आज के वीडियो में। तो गाइस, तो आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अभी गाना सुनते सुनते हम लोग आपसे विदाई लेते हैं, और आज के वीडियो में इतना ही, तो अभी से मिलते हैं नेक्स्ट, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर गाइस। बाय बाय गाइस। और गाइस, और आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो ना, तो खुद जाके सर्च करके बाय कर लेना, मैं कुछ
मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पैसा भी नहीं मिला है प्रमोशन करने के लिए, मुझे कॉन्टेंट नहीं मिला था तो इसलिए मैंने इसका प्रमोशन मतलब प्रमोशन भी नहीं यार, मैं इसका वीडियो बना के मतलब आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इस लोग इसे आप लोग बाय करना चाहते हो तो आप लोग पहले YouTube पर फुल रिव्यू देख लेना और का मतलब मेरा वीडियो देख के मत चले जाना, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये सौरभ तो साला ये इसमंगर ब्लॉग तो ये फॉरवर्ड करता है आप लोगों को, ये आदमियों को ठगता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार जाके YouTube पर अच्छे से इसका वीडियो देख लेना और फिर वीडियो देखने के बाद ही आप लोग को अच्छा लगा तो लेना, नहीं अच्छा नहीं लगा तो नहीं लेना, आपका मर्जी। मुझे तो ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने लिया था। और आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो YouTube पर फुल रिव्यू देख लेना और उसके बाद में जाके आप लोग फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजोन पर जाके सर्च मैं कुछ नहीं अमेजोन का बदनाम नहीं कर सकते यार क्योंकि मेरा नहीं आया तो मेरा कुछ प्रॉब्लम था ना तो इसीलिए मेरा नहीं आया, तो कोई बात नहीं। और आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो अमेजोन नहीं तो फ्लिपकार्ट पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो नॉइस टू लेकर और आप लोग को वहाँ पर दिख जाएगा ये वाला प्राणी दिख जाएगा आप लोग को वहाँ पर और आप लोग वहाँ पर से बाय कर सकते हो। तो बिना किसी डरी के आप लोग यहीं पर अलविदा करते और मेरा अभी से ठीक नहीं हुआ यार और मैंने जो सूंघने का होता है ना वो भी लाना भूल गया हूँ इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो बिना किसी डरी के आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। तो आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ये मैंने सब कुछ पहले ही बोल दिया है गाना सुनते सुनते और मैंने पहले ही अलविदा कर दिया था, फिर आप लोगों को ये बताने के लिए ये बकचोदी करने के लिए आप लोगों को फिर से मैंने एक वीडियो बनाया और आप लोगों को ये दिखाया। तो गाइस और इसी बात में एक आप लोगों को एक किसी दे देता हूँ, मैं मन तो कर रहा है चूम लूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट जो कर रहे हो ना अभी मेरा फिलहाल मैंने एक महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था फिर भी मेरा अभी व्यूज़ तो उतना ही आ रहा है तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बड़ा सा हक दे देता हूँ। ये लो आ जाओ सब मेरे बाह में हो गया बाय बाय। कैसी अपमानजनक बातें करा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। सही पकड़े हैं आप लोग, मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है, आपको गलत फहमी हो रहा है, आपको गलत फहमी। मैं मोबाइल को छोड़ के जा रहा था यार, पर मोबाइल को छोड़ देता तो मैं वीडियो कैसे बनाता। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।